सो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि एक एस्ट्रॉयड अर्थ को हिट करने वाला है और पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है, ऐसे एक न्यूज़ निकल के आ रही है। बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं इस पर, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये न्यूज़ टोटली फेक है। क्यों फेक है तो इसका डिस्क्रिप्शन सुनो। नासा ने ऐसे बताया कि दो एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ अप्रोच तो कर रहे हैं, लेकिन वो अर्थ को हीट नहीं कर सकते। वो हीट करेंगे उसके ऑर्बिटल को। अब ऑर्बिटल का मतलब क्या है? अर्थ जिस सर्कल में मूव करती है अराउंड द सन, सपोज ये अर्थ मूव कर रही है, अभी अर्थ फिलहाल यहाँ पे है, तो उसका जो ऑर्बिटल है उसको क्रैक करेगा, ना कि अर्थ को क्रैक करके जाएगा। तो अर्थ को वो हीट नहीं कर सकता है। तो उसमें फर्स्ट जो एस्ट्रॉयड है उसका नाम है 2020 FX3। इसका जो डायमीटर है इट इज़ इक्वल टू द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इतना हाइट रहता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। ये तो हाइट है, लेकिन वो इतना तो उसका डायमीटर है। ये हो गया उसका साइज। सेकंड आता है उसका वेलोसिटी कितना है, वो किस स्पीड से अप्रोच कर। तो उसका स्पीड है अप्रोक्सीमेटली 23,000 miles per hour। अब ये कितना स्पीड है? अगर उसको अर्थ को एक रोटेशन पूरा करना है उस एस्ट्रॉयड को, तो वो एक घंटे में कर लेगा। बस एक घंटे में इतना बड़ा डिस्टेंस वो कवर कर सकता है, मतलब उतना स्पीड है, उतना ज़्यादा उसका डायमीटर है। तो इतनी बड़ी साइज से अगर वो इम्पैक्ट करेगा सपोज अर्थ पे, तो वो ईजीली एक पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एक पूरी सिटी को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ तो यह है कि ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है, क्योंकि वो अर्थ से बहुत ही दूर है, उतनी दूरी से वो पास होने वाला है। तो ये सब कब होने वाला है? आज की डेट है 13th of April, जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वो पास होगा 15th of April पे सुबह 10:32 पे। और सेकेंडली उसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम अर्थ जहाँ पे वो पास होने वाला है, 3.4 miles अवे वो पास होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है कि अर्थ का और मून का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को अगर आप 14 टाइम्स बढ़ाओ, 14 से मल्टीप्लाई करो, तो 14 गुना ज़्यादा डिस्टेंस से वो पास होगा। तो अर्थ को स्ट्राइक करने का कोई सवाल ही नहीं आता है, एंड दैट इज़ वाई ये फेक न्यूज़ है। सेकेंड एस्ट्रॉयड की बात करेंगे, जो सेकेंड एस्ट्रॉयड हिट करने वाला है अर्थ को, ऐसे कहा जा रहा है। उस एस्ट्रॉयड का नाम दिया है 2020 GH2। अब बात आती है इसका साइज़ कितना है। तो पहले वाले का साइज़ था 195 feet, और इसका साइज़ है 98 feet ओनली। ओके, मतलब पहले के कंपैरिजन से तो ये बहुत ही छोटा है। इसका स्पीड है 19,000 miles per hour, मतलब पहले से इसका स्पीड भी कम है। सेकेंडली आगे आता है कि ये कितने दूरी से पास होगा। ये 2,23,000 miles अवे फ्रॉम द अर्थ यहाँ से पास होगा, मतलब पहले से तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो इसका कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि इसकी साइज़ भी छोटी है, वेलोसिटी भी कम है, और इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो अर्थ को ये हीट नहीं कर पाएगा। इन केस बोल रहा हूँ, अगर ये अर्थ को हीट कर भी पाता, तो ये जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता, तो एंटर करने के बाद ये जो एस्ट्रॉयड है ये पूरी तरह से बर्न हो जाता, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस उसको रेजिस्ट करके, वह ड्यू टू फ्रिक्शन, जो भी फ्रिक्शन से हीट बनती तो उससे ब्लास्ट हो जाता। और ये ब्लास्ट में इतनी एनर्जी रहती कि आपने मिलियंस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी ब्लास्ट कर दिए, तो उसकी जो एनर्जी वो मिला के इसकी सिंगल एनर्जी बन जाती। ओके, अब बात आती कि ये कब पास होगा, तो ये सेम डेट 15th of April पे ही पास होगा अर्थ के एटमॉस्फेयर के साइड से, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसका टाइम रहेगा 10:15 PM को ये पास होगा एट 15th of April। तो ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ न्यूज़ अलग रहती, कुछ अपडेट अलग ही रहती, लेकिन उसको कुछ अलग ही बना देते। तो एक्चुअली न्यूज़ ये थी कि वो अर्थ के ऑर्बिटल को क्रैक करके जाएंगे, ना कि अर्थ को। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट साइंस, अबाउट फिजिक्स, अबाउट मेटाफिजिक्स अगर आपको चाहिए, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय।